साउथ सुपरस्टार थलपति विजय इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उनकी फिल्म लियो आ रही है तो इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि विजय ने इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस की डिमांड की है। ये रकम इतनी बड़ी है कि अब तक शाहरुख खान, प्रभास, रजनीकांत और सलमान खान जैसे एक्टरों ने भी डिमांड नहीं की है। खबर है कि सुपरस्टार विजय ने फिल्म लियो के लिए 200 करोड़ रुपए का डिमांड किया है। अगर ऐसा हुआ तो विजय सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन जाएंगे। वहीं लियो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लियो को यूएसए में रिकॉर्ड रिलीज करने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए कि विजय की इससे पहले की फिल्म बीस्ट और वरिसू जो वर्ल्ड वाइड खूब कमाई की, हालांकि देश में इस फिल्म को तारीफें नहीं मिली, लेकिन अब लियो के ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद की जा रही है। फिल्म लियो के डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं। फिल्म में संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन भी शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म लियो को भारी भरकम बजट के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही करोड़ों की कमाई हो गई है। दरअसल फिल्म ने अपने अनाउंसमेंट प्रोमो के जरिए ताबड़तोड़ कमाई कर ली है और लगभग अपना बजट तो निकाल ही लिया है। बताया जा रहा कि बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही 246 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसमें डिजिटल राइट्स ने 150 करोड़, जबकि सैटेलाइट राइट्स ने 80 करोड़ और म्यूजिक राइट्स ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माता एसएस ललित कुमार ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पूरी तरह से 3000 थिएटर हैं, जिनमें से हम 1500 सिनेमाघरों में लियो रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जबरदस्त होने वाली है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर यह कितना धमाका करेगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा।